जो हम यहां में कर रहे हैं माइनॉरिटीज को अटैक करके, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेकर जो संगठन लोगों ने किया है, उससे वहां के एक्सट्रीम एलिमेंट्स को ज्यादा अपर हैंड मिलता है। समय है कि हम अपने दोस्त को पहचाने और ऐसा कुछ ना करें जिससे माइनॉरिटीज त्रिपुरा में खतरे में आए, और हमारे जो हिंदू क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट माइनॉरिटी जो बांग्लादेश है वो भी खतरे में आए, क्योंकि यहां में हम कुछ कर रहे हैं यहां के माइनॉरिटीज के अगेंस्ट। लास्ट पॉइंट, मैं मीडिया को अपील करना चाहता हूं कि आप तो शायद हमसे ज्यादा जानते हैं, स्पेशली मीडिया जो अगरतला में, लेकिन एक पोर्ट्रेल हो रहा है आंचलिक पार्टी के बारे। ये आंचलिक पार्टी वेस्ट बंगाल से नहीं आया है, नागपुर से नहीं आया है, दिल्ली से नहीं आया है, ये त्रिपुरा का ही आंचलिक पार्टी है। शायद हम लोग को थोड़ा फैसिनेशन है कि जो बाहर से आते हैं उनको हम माला पहनाते हैं और अपने ही लोगों को नीचे दिखाते हैं। जो नॉर्थ त्रिपुरा में पानी सागर में हुआ वो भी है, और मैं मीडिया को सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि त्रिपुरा मोथा का क्लियर स्टांस है कि वी स्टैंड विद द माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, बी इट क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, एंड वी स्टैंड विद द माइनॉरिटीज इन त्रिपुरा, बी इट मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट और एनी अदर कम्युनिटी विच इज बींग टारगेटेड। वी आर अ सेक्युलर स्टेट, और क्योंकि बांग्लादेश में कुछ गुंडे लोग, कुछ एक्सट्रीम एलिमेंट्स, फ्रिंज एलिमेंट्स ने गलत काम किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि त्रिपुरा में भी हम वही करें जो वहां के एक्सट्रीम एलिमेंट्स कर रहे हैं। मर्जर अगर मर्जर होगा, जहां तक मैंने मिनिस्टर से बात किया है, एनसी बाबू और मेवाड़ ने दोनों ने कहा है कि उनको मंत्री पद से इतना लगाव नहीं है जितना उनको त्रिपुरा लैंड के डिमांड से है। इट्स अ पॉजिटिव साइन, आई वेलकम इट। और मैं मीडिया को एक, मैं आपको बोल कुछ नहीं सकता हूं, लेकिन आई कैन गिव यू अ सजेशन। त्रिपुरा में पिछले एक महीने से, जब से बांग्लादेश में अनफॉर्चुनेट अटैक्स हुआ हमारे मंदिरों में, तो काफी नाम में क्या लिखा है, अगर हम लोग एक नाम में अराइव कर सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल पोस्ट को पीछे रख के हमें एक होना चाहिए। मैं ईगो को और एरोगेंस को बीच में नहीं रखना चाहता। आईपीएफटी आज भी गवर्नमेंट में, हमने कहा है कि अगर हम लोग को एक होना है या जॉइंट एक्शन मूवमेंट करना है तो उससे पहले हमारा एक कंडीशन है कि जब तक राइटिंग में कोई भी नेशनल पार्टी त्रिपुरा लैंड या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को राइटिंग में नहीं देगा, हम उनके साथ अलायंस नहीं करेंगे। ये पॉइंट हम राइटिंग में, पॉलिटिकल पार्टी तब होगा जब हम राइटिंग में देंगे कि हम बीजेपी, कांग्रेस या तृणमूल से अलायंस नहीं करेंगे जब तक राइटिंग में हमारा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नहीं मिलता है। तो मैं अपील करता हूं आईपीएफटी को कि 3.5 साल तो हो चुका है, आप भी सोचिए कि हम आने वाले दिन में अगर त्रिपुरा लैंड के लिए फाइट कर रहे हैं तो हमें मंत्री पद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और हमें एक होकर, एक पार्टी होकर, कोई भी नाम हो, कोई भी रजिस्ट्रेशन हो, उसको रखकर हमको आगे चलना चाहिए। एनसी बाबू और मेवाड़ ने मुझे कहा है कि उनके लिए मंत्री पद इम्पोर्टेंट नहीं है, त्रिपुरा लैंड इम्पोर्टेंट है। आई थिंक आई वेलकम दैट, लेकिन अब इसको हमको राइटिंग में करके हम इसको न्यूज़पेपर में छापना चाहते हैं कि पीपल ऑल्सो नो दैट आर कमिटमेंट इज नॉट फॉर पोस्ट, आर कमिटमेंट इज नॉट फॉर पावर, बट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट ऑफ आवर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। बेलाइनो हम बाय, धन्यवाद, थैंक यू।